वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 जनवरी 2021 और 8 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के स्टूडियो की पीडीएफ फाइल आप स्टूडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो अभी 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसने अपना 74वां स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाया है और इसके 74वें स्थापना दिवस पर जो समारोह हुआ है उसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। अच्छा, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी। कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NDB ने किस राज्य के लिए $640 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी NDB ने आंध्र प्रदेश के लिए $640 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये ऋण समझौता हुआ क्यों है? तो आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए यह समझौता हुआ है। अब NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चाइना के संघाई में। और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस पराडो ट्रोइजो। कौन है? मार्कोस पराडो ट्रोइजो। अब मैप में देख लीजिए, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? 3 कैपिटल है, एक है अमरावती, एक है विशाखापट्टनम और एक है कुरनूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुरनूल ज्यूडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नवनाली पेलांद्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्ना विद्या दीवेना ऐप आंध्र प्रदेश में शुरू हुई और आंध्र प्रदेश में नेगा ऐप और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुई है। इसके अलावा एक अभयम नाम की ऐप भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है, अभयम ऐप, ये भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। अच्छा, आरोग्य मित्र भी आंध्र प्रदेश में अपॉइंट किए गए हैं। पूरे देश में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है और आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ था, ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम। अच्छा, आंध्र प्रदेश की 2 इंपोर्टेंट झील हैं, एक है कोलेरू झील और दूसरी है पुलिकट झील। इन दोनों झीलों के नाम आप याद रखिए। और आंध्र प्रदेश की 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क मैं आपको हमेशा बताता हूं, एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे? Washington DC में। और वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CFO कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो अभी हेमा कोहली ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं हेमा कोहली और ये ही बनी है तेलंगाना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस। अब तेलंगाना की बनी है तो ये है मैप। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है?
डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कव्वल टाइगर रिजर्व है और अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है। काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है तेलंगाना में। महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क भी है तेलंगाना में और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन वर्गीज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एलन वर्गीज ये एक क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्रथम श्रेणी के ये दुनिया के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर थे और अभी 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की है? तो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अंशकालिक नौकरियां ये क्या होती हैं? जैसे अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न भी करना चाहते हो तो आपको 50 दिन तक काम करने की छूट दी गई है। पर डे आप क्लास कंप्लीट होने के बाद 2 घंटे तक ये अंशकालिक नौकरियां कर सकते हो। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इसको शुरू करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आशीष पेठे को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायंफ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है आर कौशिक ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायंफ इन ऑस्ट्रेलिया ये बुक आर कौशिक ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिन बेल का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो कॉलिन बेल ये फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे कॉलिन बेल, ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक एम पेंशन ऐप लॉन्च की है? तो अभी मणिपुर ने एक एम पेंशन ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। अच्छा, हॉकी इंडिया का जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है वो भी मणिपुर का है, ज्ञानेंद्र निगोबाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन बने हैं? तो जो भारतीय सेना ने ह्यूमन राइट सेल बनाए इसके प्रमुख हैं गौतम चौहान। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी बीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सोमालिया में किया गया, तो ये है मैप है सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। सोमालिया की करेंसी क्या है? सोमालियन शिलिंग। और सोमालिया के प्रेजेंट टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजू। कौन है? मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख बने राम बिनय शाही। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख करण बाजवा को अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहां हुआ है? तो जो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट है इनका शुभारंभ हो गया है कारगिल में। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? तो अभी उड़ीसा में राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। यानी किस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया, मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी, INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।